अब ईशा और अभिया फैंस के बीच एक वॉर चल रहा है, लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं। अब उसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि ये रियल है या फिर फेक है, पता नहीं, लेकिन वो चीजें क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल एक ट्वीट किया गया था मनीषा रानी के फैन पेज की तरफ से, वो ट्वीट किया गया था, उसमें लिखा था कि एक्सपोज अकॉर्डिंग टू द वायरल बयानी टीम मेंबर जिया शंकर गेव 4 लाख टू द मीडिया लास्ट नाइट एंड सेड ट्रोल मनीषा रानी एवरीवेयर एंड मेक अभिया हैशटैग वायरल ऑन सोशल मीडिया। जिया शंकर कैन फॉल टू एनी एक्सटेंट फॉर फेम, स्क्रीनशॉट ऑन द वे, स्टे ट्यून, वी लव मनीषा। ये चीज लिखा था, यानी कि मनीषा को कहीं ना कहीं ट्रोल करने के लिए, अभिया को ट्रेंड कराने के लिए वायरल बयानी जिनको सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर उनको 4 लाख देने का वादा किया था जिया शंकर ने कि आपको ट्रेंड करवाना है और मनीषा रानी को ट्रोल करना है। और उसके बाद एक स्क्रीनशॉट भी सामने आता है जिसमें यहाँ पर बातचीत दिखाई जा रही है कि जिया शंकर का ये पेज है, ये जिया शंकर का पेज है, सबसे पहले हाय लिखा है, उसके बाद पेटीएम का कुछ पेमेंट लिखा है और लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट एडवांस पेमेंट, आई होप यू वायरल अभिया हैशटैग, थैंक यू फॉर द, उनकी तरफ से रिप्लाई आता है, थैंक यू फॉर द स्वीट गेस्चर जिया मैम। और उसके बाद एक और मैसेज आता है कि लिसन वायरल अभी लास्ट नाइट वीडियो अबाउट मनीषा एंड कैप्शन अभी कंसीडर मनीषा एज अ सिस्टर, ओके मैम, आई विल सेंड मोर मनी आफ्टर द पोस्ट। इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, ये जो स्क्रीन शॉट वायरल हो रहे हैं। फिलहाल इन सारी चीज़ों को मैं अपनी तरफ से रियल नहीं बोलूँगी, सोशल मीडिया पर क्या कुछ होता है मैं वो ही आपको बताती हूँ इन्फॉर्मेशन, चाहे वो अभिया को लेकर के हो, चाहे वो जिया को लेकर के हो, चाहे वो मनीषा को लेकर के हो, मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि हाँ सच में मतलब जिया की तरफ से, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बातें उठ रही हैं तो मुझे लगता है कि मनीषा को भी सामने आना चाहिए और इसके लिए जिया शंकर को भी सामने आना चाहिए और रियलिटी क्या है वो बतानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब इस तरीके की भी बातें हो रही है कि जिया ने पैसे दिए हैं मीडिया वालों को कि मनीषा को ट्रोल करो और ज्यादा से ज्यादा जो अभिया हैशटैग है उसको ट्रेंड करवाओ और मनीषा को एज अ सिस्टर ही कंसीडर करो, इस तरीके की चीजें निकल के आ रही है। मैं एक बार फिर से एक ही चीज बोलूंगी कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, शो खत्म हो चुका है, आप जिसको भी पसंद करते थे बेशक पसंद करिए, लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो प्लीज़ कृपया करके ना करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी के लिए भी सही नहीं है। वेल, आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए, थैंक यू।